दोस्तों एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरे पास गाड़ी है एक्टिवा, इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। बाकी अगर हॉर्न में दिखा दूं तो फर्स्ट क्लास हो रहा है। गाड़ी किक से भी स्टार्ट है, एक किक से गाड़ी चालू हुआ, ये लाइट वाइट सब चालू है, सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो सेल्फ कैसे चेक करने का वो एक एक स्टेप बताता हूँ आप लोगों को। अब ये खोलता हूँ पहला, ये मैंने इसका कवर निकाल दिया, ये तो फ्लैशर है और बैटरी काफी फुल चार्ज है। बैटरी में कोई तकलीफ नहीं है, मैंने चेक किया था, लाइट दिखा दे, बैटरी में कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए कैसा चेक करने का, ये टोटल चार वायरिंग होता है रिले के अंदर। एक होता है जो डायरेक्ट बैटरी से यहाँ से आया हुआ वो इधर आता है, और दूसरा इसका वायर जो है यहाँ से निकलता है वो सीधा स्टार्टर के लिए जाता है, और दूसरा दो वायर बचता है, एक येलो पे रेड है और दूसरा व्हाइट पे ग्रीन लाइन बना हुआ है। तो ये जो होता है जब स्विच प्रेस करते हैं तो वहाँ से करंट आता है, और दूसरा ये अर्थिंग का काम करता है। एक इधर अर्थिंग दे दिया इसके बल्ब को, और जब भी अपन सेल्फ का यूज़ करेंगे तो बल्ब जलना चाहिए। तो इससे साबित होता है कि आपका ये ब्रेक स्विच भी ओके है और ये भी ओके है। ये इधर का ब्रेक जरा मार दो, घास से इधर का ब्रेक मार दो, उधर का भी ब्रेक मारेंगे यहाँ पे देखो तो भी ये जलना चाहिए। मतलब ये ब्रेक स्विच भी ओके है और ये स्टार्टर का बटन भी ओके है, ठीक है। यही स्टेप यहाँ पे चेक कर लेने का, दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देने का बल्ब को, और फिर से सेल्फ का यूज करेंगे अपन, ठीक है। ये सेल्फ का यूज करेंगे तो फिर से जल रहा है, मतलब इसका अर्थिंग भी आ रहा है ये भी आ रहा है, ठीक है, फिर भी ये सेल्फ काम नहीं कर रहा है। इसको अभी क्या करने का, ये रिले को निकालेंगे, ये रिले को निकाल दिए, ये दोनों वायर जो है आपस में बैटरी का और स्टार्टर का यहाँ पे इसको कनेक्ट किए और इसके अंदर चेक किए तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है, जबकि इस पे चालू होना चाहिए डायरेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि इसका कार्बन गया हुआ है, ठीक है। तो कार्बन खोलता हूँ, बाकी स्टेप आप लोगों को यही यूज करना है, ठीक है। अभी खोलते हैं स्टार्टर, एक तो बोल्ट खोल दिया मैंने, अभी दूसरा खोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत अंदर होता है उसके लिए इसको खोलना थोड़ा टफ होता है। मैंने स्टार्टर को बाहर निकाल लिया और अभी इसको खोल के बाहर निकालते हैं, और फिर मल्टीमीटर से भी ऊपर से आप लोग चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर का स्टेप भी दिखा देता हूँ, ये मैंने खोल लिया। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखने का, अगर ऊपर से आपको चेक करना है कन्फर्म होना तो। इसके पहले मैंने चेक किया था अभी, लेकिन वो अंदर था दिखा नहीं पा रहा था। हाँ एक हाथ से जरा पकड़ा नहीं। मल्टीमीटर को मैंने कॉन्टिन्यूटी मोड पे रख लिया, और एक मेन वाला जो प्रोब है इधर रख दिए और दूसरा वाला यहाँ पे रख दिए। तो मल्टीमीटर के अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, जबकि बीप बजना चाहिए उधर। तो इसका मतलब है कार्बन पूरा टूट चुका हुआ है, घस गया हुआ है। तो यहाँ पे रखा हूँ, बाद में करने के बाद में दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे बीप बजेगा। जैसे वायर को टच किए ये बीप बजता है, नंबर आगे पीछे हो रहा है, उसके अंदर भी सेम स्टेप होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग खड़ी गाड़ी में कभी चेक करना है तो भी ये तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन खोलते ही स्टार्ट। ये मैंने खोल दिया स्टार्टर, और कार्बन इसका पूरा बुक्का बुक्का होके ये गिर रहा है, यहाँ से टूट गया हुआ है, ठीक है। तो स्टेप आप लोग ये यूज करेंगे तो फिर आपको इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, सब जगह पे मिलता रहेगा। कार्बन टूट गया हुआ पूरा, तो इसके जो कार्बन है ये ओरिजिनल नहीं आता है, ये सस्ता वाला आता है। ये पूरे वाटी के साथ में लेंगे तो ओरिजिनल आएगा, तभी इसको ओरिजिनल पूरा वाटी के साथ में लेके मैं और इसको फिटिंग करता हूँ। थोड़ा सा जेबी कट गया है,
लेकिन अभी के लिए फिलहाल चलाते हैं इसको। पॉलिश ओवर मारने के बाद से बीच में इसे हल्का सा एक ब्लेड का लाइन मार लेने का, कचरा अंदर नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा कट गया था, कार्बन कटने के हिसाब से उसका वायर इस पर टकरा गया था। ये वायर जो है ना इसके ऊपर टकरा के थोड़ा सा खड्डा हुआ था, लेकिन चलेगा ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है। अभी ये चीज़ मैं लिया है ओरिजिनल, लेकिन इसका बॉक्स फट गया था तो ये लोग ने दूसरे में दिया हुआ है। ये पूरा कार्बन के साथ में रेडी है, अभी नहीं चलो बना दिलीप भाई। ये स्प्रिंग को बिठा लिया, ये कार्बन को ऐसा रख के इसको अंदर दबा लेने का, ऐसा अंगूठे से दबा के रखने का इसको। दूसरा स्प्रिंग को भी डालने का यहाँ पे, और अभी ये दबाओ, सीधा रखो ना, दबाओ दबाओ, ये ऐसा बैठ गया। थोड़ा सा इधर ग्रीस लगाएंगे ताकि ये वाटी के अंदर है ना जो आवाज मारता है आवाज नहीं मारेगा, ज्यादा भी नहीं लगाने का। फिर इसको इसे रख के फिटिंग कर देंगे। दोस्तों मैंने कार्बन फिटिंग कर लिया, वापस मल्टीमीटर वही कंटिन्यूटी मोड पे है। एक वायर को यहाँ पे रख दिया मल्टीमीटर के, और एक वायर को यहाँ पे रखेंगे मल्टीमीटर में। सीधा सीधा दिखाने का था, ये मल्टीमीटर में आवाज भी आता होगा आप लोगों को, और ये भी नंबर भी आगे पीछे होगा। ये इधर रखेंगे तो भी, इधर रखेंगे तो भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं यहीं पे रखने का। ये कार्बन सही है, इसके पहले भी मेरा एक छोटा सा वीडियो था उसके अंदर बताया था मल्टीमीटर से कैसा चेक करने का स्टार्टर। तब इसको फिटिंग करते हैं। यहाँ पे वायर के अंदर एक स्क्रू हुआ था 7 नंबर का छोटा सा। दोस्तों इसमें अर्थिंग वायर 2 आता है, एक तो डायरेक्ट बैटरी से आता है और एक यहाँ चेचिस में टाइट रहता है। तो अर्थिंग वायर को भी यहाँ पे आपको लगाना है, और बाद में इस अर्थिंग वायर को भी इसके साथ में टाइट करना है स्टार्टर के साथ में, और ये यहीं पे डायरेक्ट फिटिंग कर देने का। अर्थिंग वायर 2 होता है, मेन 1 होता है, एक मेन और एक अर्थिंग ऊपर से आया हुआ है, और दूसरा जो अर्थिंग है उसका इंजन से लेकर और चेचिस तक रहता है। बोल्ट जो होता है अंदर होता है थोड़ा टफ हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने स्टार्टर को फिटिंग कर लिया, अब ये सेल्फ मार रहा हूँ, ये गाड़ी चालू हो गया ठीक है। और आप लोगों को जो भी मैंने स्टेप बताया एक बल्ब के हिसाब से, तो इसे आप लोगों को चेक करना है, इधर कभी तकलीफ नहीं आएगा। अभी इस वायर को ये दोनों जाड़े वायर को आपस में कनेक्ट करेंगे, बैटरी चार्ज हो तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। और सेल्फ दबाने के बाद से ये ऑरेंज पे रेड है वहां से करंट आता है उसको, ये ब्रेक स्विच के थ्रू स्टार्टर स्विच के थ्रू करंट आता है। और ये ग्रीन पे व्हाइट है, इसको अर्थिंग इसके CTI से आता है ठीक है। कभी भी अगर ऐसा रहे तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक करने का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।